सर्दियों का दिन आ गया है, मार्केट में आसानी से आंवला मिलने लग गया है, तो आज मैं सिखाऊंगी आंवले का अचार कैसे आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम आंवला लिया है, उस हिसाब से मैंने सारी सामग्री ली है। हरी मिर्ची ली है 7 से 8, अदरक ली है 25 ग्राम और यहाँ पे 16-17 मैंने लहसुन लिया है। इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा अदरक लूँगी और बाकी छोड़ दूँगी। इसको हमें लंबे लंबे एकदम पतले पतले काटने हैं। देखिए मैंने सारे काट लिए हैं, अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कुकर लूँगी, बिल्कुल कुकर सूखा हुआ होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारा मैंने आंवला को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 स्पून सरसों ऑयल डालेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इंस्टेंट भी बना के खा सकते हैं या आप एक साल तक भी स्टोर करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। कुकर का ढक्कन लगा के गैस पे मैंने मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया और हमें 1 सीटी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, और बीच बीच में 1-2 बार हिलाना है ताकि जो हमारा आंवला है चिपके नहीं। 1 सीटी होने के बाद प्रेशर निकल गया है। उसके बाद देखिए आंवला हमारा पक गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 सीटी से बस ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आसानी से ये टूट रहा है। उसके बाद हमें सारा प्लेट पे मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए कुकर में बिल्कुल भी नहीं चिपका है क्योंकि मैंने बीच बीच में थोड़ा सा हिलाया था। बस 1 सीटी लेना है, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। उसके बाद इसे हमें इस तरह से दबा के निकालना है क्योंकि गर्म है, इसीलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ ताकि जल्दी से निकल जाए। आसानी से देखिए निकल जा रहा है, बीज अलग हो जा रहा है। इसी तरह से हमें सारा कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है सारा। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने एक तवा लिया है, उसमें 1/4 टेबल स्पून मेथी, सौंफ 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद जीरा 1/2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे मैं भून लेना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। अब इसके अंदर से खुशबू आने लगा है तो यहाँ पे खड़ी वाली जो लाल मिर्च होती है यहाँ पे डालूंगी 1/4 कप। इसको 1-2 बार चलाने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो मैंने 1-2 बार चला लिया है, बंद कर दिया। उसके बाद कलौंजी डालेंगे 1/4 टेबल स्पून, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून। इन दोनों चीज़ों को डालकर फिर से हमें अच्छे से 1-2 बार हिला लेना है। उसके बाद हमारा गैस बंद है, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बबाद यहाँ पे मैं सरसों डाल रही हूँ 3 स्पून। इसकी जगह आप राई भी ले सकते हैं, पीली वाली काली वाली जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद 1-2 बार चलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डाल देंगे और अच्छे से इसका फाइन पाउडर बनाना है। इस तरह से मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी मिक्सी के जार में हमने जो लहसुन लिया है उसको इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची डालेंगे। अगर बिना लहसुन का आंवला का अचार बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है आंवले का अचार की रेसिपी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अदरक डाल रही हूँ। मैंने कुछ को लंबे काट लिए थे, कुछ को बचा लिए थे, उसको इसके अंदर डाल के दरदरा पीस लेना है। इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है। 1-2 बार रुक रुक के जैसे मिक्सी को चलाएंगे तो ऐसे पीस जाएगा। उसके बाद एक बड़े बर्तन लेंगे, उसमें आंवला को डाल देंगे ताकि आसानी रहे मिलाने में। मैंने सारे आंवले को एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ मैंने लंबे कटे हुए जो अदरक है उसको डाल रही हूँ। अगर ये नहीं डालना चाहते तो हटा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पीसने में भी डाला था। उसके बाद जो मैंने लहसुन हरी मिर्ची अदरक को पीसा था वो डाल के, जो मसालों को भून के मैंने पीसा था उसको इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून सौंफ डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मैंने भूनते समय भी डाला था और यहाँ खड़ा भी डाल रही हूँ। उसके बाद नमक 3 स्पून, उसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। अगर खड़ी वाली लाल मिर्च नहीं है तो आप इस जगह पे रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। आप बिना तेल के भी अचार को खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हींग डाला है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे सरसों तेल लिया है। सरसों तेल मेरा ये पका हुआ तेल नहीं है, ये कच्चा ही है। अगर आप पका के कढ़ाई में और फिर डालना चाहते हैं ठंडा करके तो वो भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे तेल को कभी भी अचार में पका के नहीं डालती हूँ क्योंकि वो बाद में चिपचिपाहट हो जाता है अचार के अंदर, इसीलिए मैंने कच्चा ही तेल लिया है। तो 1 कप के करीब लिया है, 1 कप से थोड़ा कम ही लगा है और थोड़ा सा बच गया है। उसके बाद अच्छे से मिला के कांच के बर्नी में भर के और 2 दिन के लिए धूप में रख देना है ताकि हम लंबे समय तक अगर अचार रखना चाहते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो बिना धूप में रखे भी खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए